चीन के कई इलाकों की तरह पानी ने भयंकर तबाही मचाई, लेकिन वहाँ पानी की रफ्तार को फेल करके कैसे कैसे एक ट्रेन ने पुल को बचाया। तस्वीरें देखिए आप। पानी की तेज रफ्तार के सामने दोनों रेल पुल थर थर कांप रहे हैं। बाढ़ के पानी से पुल के खंभे करीब करीब डूब चुके हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ी ही देर में पानी पुल के ऊपर पहुंच जाएगा और भयंकर रफ्तार से बढ़ रहे जलजले के साथ तिनके की तरह बह जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस पानी की रफ्तार करीब 12,300 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड थी, जबकि ये पुल सिर्फ 10,700 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार वाले पानी में खड़ा रह सकता था। यानी नदी का पानी किसी भी क्षण पुल को अपने साथ बहाकर ले जा सकता था, लेकिन तभी पुल को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। एक एक करके दोनों पुल पर रेलगाड़ी लाकर खड़ी कर दी गई। पूरी तरह पत्थरों से भरी हुई इन ट्रेनों का वजन करीब 400 टन था और इसने पुल को पत्थर की तरह दबाकर किसी बांध जैसी मजबूती दे दी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भारी भरकम ट्रेन ने इस पुल को डूबने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।